सो गाइज, ये जो वीडियो है इसको मैंने रिकॉर्ड किया है अपनी नई प्राइवेट स्ट्रेटजी को रिवील करने के लिए। सो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आप लोग फुल वीडियो देखा करो, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, तभी आपको सीखने को मिलेगा। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको वॉच करो, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर आप स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बेसिक में मैंने सब कुछ बता रखा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो ये सारे वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो मस्ट है कि आप उसको वॉच करिए, तभी आपको कोई भी स्ट्रेटजी समझ में आने वाली है। तो मैं प्रीवियस स्ट्रेटजी में आपको बहुत ही अमेजिंग मैंने ट्रिक दिया था, और आई होप आपने उससे प्रॉफिट बनाया है। और कुछ मेरे पास मैसेजेस आए थे जिन्होंने जो शुरू से मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली बात है उनको रिजल्ट मिला है, उन्होंने काफ़ी वो किया, अप्रिशिएट किया। सो इस वीडियो में मैं आपको एक नई स्ट्रेटजी बताऊंगा, और मैं जो भी स्ट्रेटजी बताता हूँ वो लाइफ टाइम वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि वो अभी वर्क कर रहा है और बाद में नहीं करेगा, क्योंकि मैं बेसिक्स आपको जो भी ट्रेडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है या जो कोर होता है ट्रेडिंग का, मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ। मैं कोई इंडिकेटर के थ्रू नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है इंडिकेटर्स के ऊपर या बोर्ड्स के ऊपर। तो मैं बिल्कुल आपका जो प्योर प्राइस एक्शन का नॉलेज होता है उसके ऊपर मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। सो आप इस वीडियो में बने रहिए और वॉच करिए, अच्छे से सीखिए। तो बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ मार्केट किस तरह का है, उसके बाद जो भी स्ट्रेटजिक कंपेटेबल होगा मार्केट के अकॉर्डिंग, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। सो इसमें मैं एक स्ट्रेटजी यूज़ करने जा रहा हूँ, तभी मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। तो अभी करंट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, उस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं काम करूंगा या इस पर ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, सो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मैं एक ट्रेड लूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेटजी मैंने क्या यूज़ करी है और वो कैसे वर्क कर रहा है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरीके से। अभी इसमें कुछ सेकंड लेफ्ट हैं, तो मैं एक ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा। तो मैं डाउन के लिए एक ट्रेड लूँगा, और मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी उसको मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो इसमें मैंने प्रेडिक्शन कर दिया डाउन के लिए, और ये आई होप ये मेरे फेवर में आएगा। तो कभी कभी देखिए मार्केट क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मार्केट, यानी कि मूवमेंट फास्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन में क्या करते हैं कि हम बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को पिक करने की कोशिश करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो साइकोलॉजी रैंडमली चेंज भी हो सकती है, जिससे कि हमारा प्रिडिक्शन कभी कभी गलत हो जाता है। लेकिन जो चीज़ जिसमें ज़्यादा हायर चांसेस है कि इसमें ये चीज़ होने वाला है, तो वो भी होता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी। तो इसलिए मैं 100% नहीं बोलूँगा कि कोई भी प्रिडिक्शन 100% जाता है, लेकिन हाँ 99% तक जा सकता है वो प्रिडिक्शन। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें मैंने जो प्रिडिक्शन किया है और वो काफ़ी एक्यूरेट जा रहा है, और काफ़ी डीप विन हो गया इसमें। यस, तो प्रॉफिट हो गया हमको इसमें फाइनली। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, राइट? इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, मैं समझा देता हूँ आपको। तो मार्केट को आप लोग मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ कि मार्केट क्या चीज़ रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन का क्या है, यहाँ पे कोई टाइप्स ऑफ मार्केट का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट क्या रिपीट कर रहा है। तो यहाँ बेसिकली मैं जो करंट साइकोलॉजी है बायर्स एंड सेलर का, उसको रीड करके यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रीवियस जो स्ट्रेटजी थी उसमें मैं क्या प्रिडिक्ट कर रहा था, मैं क्या चीज़ उसमें कोर ये रहता था कि उसमें जो मार्केट है उसमें मैं ये देखता था कि मार्केट का टाइप क्या है। ओके,
तो एक मैंने ट्रेंडी मार्केट में मैंने बताया था, फर्स्ट जो स्ट्रेटजी थी उसमें कैसे ट्रेड करना है, और सेकेंड स्ट्रेटजी जो जो थी वो रेंजिंग पे थी, तो वो मार्केट टाइप पे पूरा डिपेंड कर रहा था और SNR लेवल पे डिपेंड कर रहा था। SNR लेवल का भी देखना था और प्रिकॉशंस यानी कि कैंडल्स टाइप एंड कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे डिपेंड कर रहा था, तो वो कंबाइनली वर्क कर रहा था। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, बट यहाँ पे मैं साइकोलॉजी बेसिस पे कर रहा हूँ, जो करंट बायर्स एंड सेलर्स का मूवमेंट है उसकी साइकोलॉजी पे मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, बेसिकली देखो मैं यहाँ से समझा देता हूँ, मैं इसको अच्छे से समझाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, तो ये जिगजैग फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह का अगर पैटर्न बनता है तो आप देखो रिपीट हो रहा है एक ही चीज़, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो डाउन के लिए। अगर फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आप लोग डाउन के लिए एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक कैंडल का वेट करना, एक कैंडल कंफर्मेशन दे दे कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे आप लोग करना, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे आपको लेना है, ट्रेड प्लेसमेंट करना है, तो एक कैंडल का वेट करना पड़ेगा, यानी कि एक कैंडल नीचे जाएगा तब नेक्स्ट कैंडल पे आप लोग एंट्री लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैंने लास्ट ट्रेड प्लेस करी थी यहाँ पे करी थी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया तो थोड़ा यहाँ से मार्केट वो हो रहा था, यानी कि स्टक हो रहा था मार्केट, ऊपर नीचे, ठीक है, लेकिन कुछ देर के लिए हुआ, फिर अगेन देखो मार्केट नीचे चला गया, तो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे जैसे नीचे गया फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया और यहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक जाने का ट्राई कर रहा था बट रिजेक्ट हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये SNR वर्क कर रहा है, इस कैंडल को ऊपर जाने से रोक रहा है, और जो प्रीवियस जो हिस्ट्री है अपनी, वो हिस्ट्री ये है कि मार्केट एक एक लेवल पे जाके गिर जा रहा है, यहाँ पे जाके गिर गया, यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हुआ लेकिन फिर लास्ट में गिरा यहाँ से, फिर वैसे ही यहाँ पे आया मार्केट। तो मुझे लगा कि एक कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया मुझे, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे क्या कर लिया, ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट रिपीट कर रहा हो, यानी कि सेलर्स या बायर्स का एक साइकोलॉजी है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट रन कर रहा हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रेड प्लेसमेंट करना होगा। तो ये भी स्ट्रेटजी मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ मार्केट में, ठीक है, तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक्स हैं उसको प्लीज़ सीखना। इसमें क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आपको ये भी देखना है कि पीछे कोई SNR नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रांगेस्ट SNR लेवल नहीं होना चाहिए। SNR का वीडियो देखना, उसमें सीख जाओगे, और SNR लेवल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो कैंडल है ये एक छोटा सा एक हैमर कैंडल है यहाँ पे, और ये एक SNR लेवल पे बन रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये SNR लेवल पे बनता है और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ये कन्फर्मेशन दे रहा है एक स्ट्रॉन्गेस्ट SNR का ये मार्केट, और यहाँ पे अगर हैमर बनाया बनाया तो वैसे भी मार्केट क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल का चांस रहता है रेंजिंग मार्केट में, ठीक है। तो एक तो ये कन्फर्मेशन मिला था मुझे, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया था। अगर मार्केट यहाँ पे ये कैंडल बहुत बड़ा होता, बहुत एबनॉर्मल टाइप का कैंडल बन जाता, यानी कि ये जो सेकेंड कैंडल है वो यहाँ पे होता, तब वहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये कैंडल अच्छा था, कंफर्म कर रहा था, तो मैंने इस पे ट्रेड लिया, ठीक है। या यहाँ पे एक कोई डोजी बनता तो मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर नॉर्मल कैंडल बनता तो क्या ट्रेड लेना है, हाँ तब भी ले सकते हो, ठीक है, हैमर पे ले सकते हो, नॉर्मल कैंडल के साथ इस लेवल पे ले सकते हो, ठीक है।
तो ये प्रिकॉशंस कुछ आप याद रखना, उसके साथ ट्रीट प्लेसमेंट करना, ठीक है। डोजी कैंडल, मोरोबोजी कैंडल और बिग एबनॉर्मल कैंडल के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है, या कोई भी दूसरा एबनॉर्मल हैमर बनता है तब भी ट्रेड नहीं करना है। एबनॉर्मल हैमर में क्या होगा कि इसका विक बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगा, इससे यहाँ तक भी हो सकता है, इस लेवल तक। यहाँ ये तो परफेक्ट है हैमर, ये नॉर्मल हैमर है। अगर एबनॉर्मल कोई भी चीज़ बनता है तो उसमें उस केस में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ये मैं आपको बिल्कुल प्रो नॉलेज आपको दे रहा हूँ। ये सब नॉलेज मैं कभी सेल किया करता था, बट अब मैं इसको फ्री में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रहा हूँ ठीक ठाक, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिनेंशियल वो नहीं है, इशू नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को थोड़ा सा यार वो करिए, कॉपरेट करिए। आप लोग कॉपरेट कुछ जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको थैंक्स बोलता हूँ। जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट करिए, वरना मैं कैसे आगे सर्वाइव करूँगा, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है। और आई नो मैंने इसे थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि टेलीग्राम में मेरे अच्छे खासे मेंबर्स हैं, तो सपोर्ट अगर मिल के वो करेंगे तो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा होगा। और बस इतना ही है। अगर कुछ भी इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मैसेज करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और कोटेक्स अगर आप मेरा जो कि बेस्ट रिकमेंडेड ब्रोकर है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो, साइनअप हो सकते हो। और अगर आप मेरे सिग्नल्स को ट्राई करना चाहते हो, जो कि यूजुअली श्योर शॉर्ट्स होते हैं, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। और काफ़ी आज से ही आप प्रॉफिट बना सकते हो, और ये सारे लेक्चर्स देखो, आप सेल्फ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। और भी मैं स्ट्रेटजीज आपको दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी आपको दूंगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर।